जी तिरुपति की वार्ता में पॉइंट आए बाबा, गृहस्थी ज्यादा पाप नहीं करते हैं। तिरुपति की वार्ता में पॉइंट बताए बाबा ने, गृहस्थी ज्यादा पाप नहीं करती है, कुमार ज्यादा पाप करते हैं। एक पॉइंट है, कौन ज्यादा पाप करते हैं? गृहस्थी ज्यादा पाप नहीं करती है, गृहस्थी ज्यादा पाप नहीं करते हैं, कुमार ज्यादा पाप करते। कुमार कुमार अगर अपन को गृहस्थी नहीं समझते हैं, माँ बाप का बच्चा नहीं समझते हैं, तो कहेंगे कि वो गृहस्थी नहीं है। अगर माँ बाप का बच्चा समझते हैं तो प्रवृत्ति में है या निवृत्ति में है। हाँ, कोई कोई कुमार ऐसे होते हैं जो माँ बाप से अलग हो जाते हैं, तब उनके लिए कहेंगे कि गृहस्थी नहीं है। इसलिए बोला है। लेकिन बाबा ये बताया तो कुमार को कोई बंधन नहीं होती है, एक बंधन होती है मन का। अगर बंधन होती है मन का बंधन होता है, और इसके लिए बाबा को सहज तरीका बताया है, जैसे गीता में भी कहा है, संशय महाबाहो मनोबुद्धि ग्रहण चरम अभ्यास न चुकाउंते या वैराग्य न चुभिते। तो इस अभ्यास की तो राज को पकड़ करके अगर पुरुषार्थ में टीके जाएगा तो वो बहुत ऊंच पद पाएगा। वो तो कोई भी जाएंगे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास चाहे गृहस्थी करें, चाहे कुमार करें, चाहे सन्यासी करें, अभ्यास से ही तीखापन आता है। और कई बार बाबा ने बताया, ब्रह्मा उनको कृष्ण मेरे मुरब्बी बच्चे है, कृष्ण मेरा मुरब्बी बच्चा है, ये सही बात है और प्रैक्टिकल बात है। लेकिन कृष्ण माना ब्रह्म वाले, ब्रह्मा और कृष्ण, ब्रह्मा मुरब्बी बच्चा नहीं कहा, क्योंकि ब्रह्मा अपूर्ण है या संपूर्ण है, तो मुरब्बी बच्चा कैसे होगा? तब कृष्ण की बात किस पर लागू होती है? सतयुग कृष्ण को यानी संगमी कृष्ण, सतयुग का कृष्ण वो मेरा मुरब्बी बच्चा है। मेरा कहने वाला नारायण है, जिस संगमयुगी नारायण में शिव प्रवेश करते हैं, इसलिए बोला कि कृष्ण मेरा मुरब्बी बच्चा है। कहने वाला शिव है या नारायण? जो कहने वाला है वो मुख वाला है या बिंदी है? बिंदी भी मुख द्वारा कहते हैं ना बाबा, ज्ञान भी तो साकार है तब ही कहता है, और जो साकार है कहने वाला उसका बच्चा भी साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। तो जो साकार बच्चा है, सच्ची का पहला पत्ता है, वो ही मुरब्बी बच्चा है। लेकिन बाबा ये तो सेकेंडरी प्रसाद किया ना, मना नरसिंह नारायण डायरेक्ट प्राप्त नहीं किया, नरसिंह प्रिंस मना उसी जन्म में प्राप्त नहीं किया ना। भले पुरुषार्थ किया, लेकिन मेरे साथ रह करके जो पुरुषार्थ करने वाला है,
इसे कहा जाता है कंबाइंड रूप बाप दादा। वो दादा की आत्मा कौन हुई? तो वो मेरे साथ साथ पुरुषार्थ करता है, इसलिए मुरब्बी बच्चा है। 500 करोड़ बच्चों के बीच में कोई मेरा प्रैक्टिकल वारसदार नहीं बनता। पहला वारसदार कौन बनता है? कृष्ण बच्चा ही बनता है। साक्षात पुरुषार्थ सूक्ष्म शरीर से करते हैं ना, प्रवेश करते हैं तो साकार शरीर तो नहीं है। साकार शरीर न होते हुए भी जो मुकर्रर रथ है, उस मुकर्रर रथ की सार संभाल की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बिंदी बाप के ऊपर है या प्रैक्टिकल में करने वाली कोई आत्मा है? वो ही दादा है। जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बाप बुढ़ा हो जाता है, तो सार संभाल कौन करता है? बच्चा ही करता है। स्टूडियो में दूसरे नंबर ये कोई नहीं होता है। नमस्कार, मैंने बच्चा बात जो अष्टदेव है वो बाप के भाई बंद है, वो बच्चे की लिस्ट में नहीं है। वो 8 आत्माएं नई सत्यु की दुनिया में वर्षा पाने की हकदार नहीं है। वर्षा पाने का हकदार जिठौत बच्चा होता है। बड़े भाई का बच्चा लेकिन तो बाबा कहते हैं नहीं, एक ही बाप सभी बच्चे ऐसा कहते रहे, तो उस हिसाब से सब बच्चे होते हैं ना, जो भी बाप का बच्चे होते हैं ना। एक ही बाप है वो 500 करोड़ का बाप है या थोड़ों का बाप है? तो वो तो बात ही अलग हो जाती है। ज्योति बिंदु शिव की बात है। लेकिन बाबा तो साकार मनुष्य सृष्टि के वो बाप है ना, बेहद बाप प्रजा पिता भी है, असुर का बच्चा भी है। बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप है, आत्माओं का बाप नहीं है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उस मनुष्य सृष्टि में ऊंची क्वालिटी के मनुष्य जरूर होंगे। जो ऊंचते ऊंच क्वालिटी के मनुष्य हैं, उनको सूर्यवंशी कहा जाता है। ये सूर्य नाम पड़ता है। जिसको रथ को चलाने वाले 7 घोड़े दिखाते हैं, सत्युग में 7 नारायण होते हैं ना, और संगम में भी अष्टमूर्तियों में से 7 मूर्तियां 7-7 हैं। कुरान में भी लिखा हुआ है कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। मुसलमान
खुदा निराकार को मानते हैं, इसलिए उन्होंने आठ कह दिया है। वास्तव में आठ नहीं है, तख्त को चलाने वाले सात हैं। आंध्रा में एक ज्योतिर्लिंग छोटी है, आंध्रा में एक ज्योतिर्लिंग है जिसे 14 रुपए ज्योतिर्लिंग हाँ 14 रुपए जिसे में महाराष्ट्र में 5-6 बेहद क्या है बात। उसका नाम ही है महान राष्ट्र। महान माने बड़ा, जरूर बड़े बड़े पुरुषार्थी निकले होंगे। इसका नाम है आंध्रा। तूफान बहुत आते हैं, ये माया के तूफान है जो अंधा बना देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंग्वेज प्रॉब्लम। माया की जब फाइनल परीक्षा होती है तो ये जो मायावी गुरु हैं भाषा प्रॉब्लम का फायदा उठा लेते हैं। और बच्चे भाषा प्रॉब्लम के कारण, अंधे होने के कारण बाप से दूर हो जाते हैं। दो प्रकार के पुरुषार्थी मुख्य हैं, एक है लंगड़े एक है अंधे। उन अंधों के ग्रुप से लक्ष्मी निकलती है जो नारायण का नाम बाला करती है। वो लक्ष्मी अंधों के ग्रुप से आती है या सोझरों के ग्रुप से आती है, इसलिए आंध्रा में ही लक्ष्मी नारायण नाम ज्यादा होते हैं। आंध्रा में लक्ष्मी नामधारियों की भरमार है। इसलिए उत्तर भारत में जो अमरनाथ है वहां बर्फ का बड़ा लिंग बनाते हैं, ऊंची स्टेज दिखाते हैं और उससे नीचे वैष्णो देवी का मंदिर है। वहां तीन देवियों की तीन लिंगियां रखी हुई हैं। वो बड़े बड़े लिंग हैं या छोटे लिंग हैं? छोटे लिंग हैं। बड़ा पुरुषार्थ तो बड़ा लिंग दिखाया है, छोटा पुरुषार्थ है जो छोटा लिंग दिखाया है। जैसे सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा लिंग बनाते हैं। बाबा ये भाषा की प्रॉब्लम सिर्फ आंध्रा का नहीं है ना, तो दक्षिण भारत में केरला है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है, सबका लागू होते हैं ना, सिर्फ आंध्रा का। कहते हैं
कि सभी स्टेट्स में एक आंध्रा ही ऐसा है जिसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सागर के नजदीक है। हद में भी ऐसे है कि सागर आंध्रा के बहुत नजदीक है और स्टेट से इतने नजदीक नहीं है। परंतु भाषा की प्रॉब्लम हो जाती है। उन स्टेटों के कंपैरिजन इसलिए दूरी हो जाती है। और एक भाई के प्रश्न है तो देवालय होते हैं ना बाबा, मंदिर मंदिर तो मंदिर के सामने तो ध्वज स्तंभ होता है ना, वो क्यों दिखाते हैं उसको? मंदिर के सामने ध्वज स्तंभ दिखाने में क्या अंतर? सिखों का जो गुरुद्वारा होता है उस गुरुद्वारे में दरवाजे के सामने बड़ा लंबा ऊंची स्टेज का जैसे झंडा लगाया जाता है ऐसे लगा देते हैं। मंदिरों में भी ऊंचा स्तंभ लगाते हैं। जी ये ऊंचे पुरुषार्थ की निशानी है। जितना ऊंचा ज्ञान होगा, जितना गहरा ज्ञान होगा, पुरुषार्थ भी उतना ऊंचा और गहरा होगा। और हाँ जी हाँ जी गीता में खूब अच्छा है, एक श्लोक है बाबा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र बाहो धनुर भद्रस्य मन जहाँ। थोड़ी देर याद में बैठ जाओ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर श्री विजय ध्रुवान मन जहाँ वो बताते हैं जहाँ योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन धनुर्धारी जहाँ होगा वहाँ तो विजय निश्चित है, ध्रुव है। 63 जन्मों में भारतवर्ष में लगातार युद्ध होते रहे, उन युद्धों में भारत सदैव विजय ही पाता रहा या नीचे गिरता रहा? क्यों नीचे गिरता रहा? क्योंकि संघर्ष से शक्ति क्षीण होता है ना। पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं युद्ध की, मल्ल युद्ध की,
तो शक्ति क्षीण होती है या बढ़ती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रैक्टिस कराने वाला जो देहधारी उस्ताद है वो जरूर सामने होता है। यहाँ देह की बात नहीं है, यहाँ विदेही की बात है। हमारा उस्ताद विदेही है। विदेही बाप मुकर्रर रथ के साथ है तो ध्रुव विजय है। द्वापर कलयुग में विदेही बाप साथ नहीं होता है, इसलिए भारत की सदा विजय नहीं हो पाती है। दूसरे देश जीतते जाते हैं और भारत की हार होती जाती है। इसलिए गीता में बोला है जहां बाप है और बाप के साथ अर्जुन है वहीं विजय है। तो ये अर्जुन पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला और अर्जन करने में मदद करने वाला बाप, ये सिर्फ संगम युग में होता है। तो विजय ही विजय है, और युगों में विजय नहीं होती है। यहाँ संगम में भी विजय तब होती है जब सदा बाप की याद होती है। बाप कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पुरुषार्थी जीवन में आदि में उतना साथ नहीं कह सकते क्योंकि याद की उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। बाद में जितनी प्रैक्टिस मजबूत हो जाती है तो विजय निश्चित हो जाती है। इसलिए मुरली में भी बोला है अंत में तुम बच्चों की विजय निश्चित है, क्योंकि अंत में तुम्हारा पुरुषार्थ परिपक्व स्टेज को प्राप्त हो जाएगा। और तो बात हरेक का अपना अपना होती है। मानव प्रकृति माना वाणी से पर्यावरण तो मुरली में एक आया कि मुरली में माता ये कभी भी मानव प्रकृति नहीं बनती थी। वानप्रस्थि दो प्रकार के होते हैं, एक हद के वानप्रस्थि बोलना बंद कर देते हैं, अंदर में संकल्पों का घुमाड़ा चलता रहता है। वो हद का वानप्रस्थी कहे जाते हैं। हद का वानप्रस्थी बनना हद के सन्यासी सिखाते हैं। बेहद का बाप है बेहद का सन्यासी। वो बेहद का सन्यास सिखाते हैं
ऐसे नहीं कि वाणी से बोलना ही नहीं है, ऐसे किसी मुरली में नहीं बोला होगा कि बोलना बंद कर दो। क्या डायरेक्शन दिया है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो जितना जरूरत है उतना ही बोलना है, परंतु वानप्रस्थि का मतलब ये है कि अंदर में संकल्प भी कम चले, संकल्पों से भी बोलचाल न रहे। नहीं तो अंदर अंदर में बातें चलती रहती हैं। अंदर अंदर में जब बहुत बातें चलती रहती हैं तो निराकारी बनेगा, वानप्रस्थी बनेगा, वाणी से परे रहने वाला परमधाम वासी बनेगा या साकारी ही बना रहेगा? ये अंतर पड़ जाता है। बाबा आकर हमको मन की मौन, मन की मौन सिखाते हैं। एक एक बात ऊपर पूरी हो जाने दो। संगम युग है, मौजों का युग है। ये मौज सदाकाल की तभी हो सकती है जब हम मन को कंट्रोल करें। मन कंट्रोल में रहेगा तो इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी। और इंद्रियों के कंट्रोल में रहने से जैसे स्वर्ग में देवताएं सदैव मौज में रहते हैं, वैसे हम संगम युग में भी सदैव मौज में रह सकेंगे। इसको कहते हैं मन की मौज। बाकी ऐसे नहीं है कि मन अपनी मनमत पर चलता रहे और मौज में बना रहे। मन राजा नहीं है। मन के ऊपर राज्य करने वाली बुद्धि है। तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र बाप से मिलता है, तो बाप ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। जो बुद्ध रूपी राजा में प्रवेश करता है परमानेंट, तो मन को बुद्धि रूपी राजा के नियंत्रण में रहना है। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है। और कोई भी मनुष्य आत्मा बुद्धिमानों की बुद्धि नहीं है। बाप के मुकाबले सब बुद्धू है। माता के लिए क्यों कहा ऐसा? माता कभी भी वानप्रस्थ नहीं बनती, कुमार राधा कुमार। ब्रह्मा
कार्थी है सबसे बड़ी माता। जो सबसे बड़ी माता ही वानप्रस्थी नहीं बनती है, परम धामवासी निराकारी स्टेज को नहीं प्राप्त होती है, तो दूसरी माताएं प्राप्त हो जाएंगी। है नहीं हो जाएंगी? कब तक नहीं हो जाएंगी? जब तक बाप की 100% सहयोगी न बने। सेवा शक्तियां बनेंगी तो सब कुछ होगा। नहीं तो वाणी से परे नहीं जा सकेंगी। बाप जब तक टीका नहीं किया, बाप जब तक टीका नहीं किया तब तक बाप बच्चे का संबंध पक्का नहीं होता। पक्का नहीं होता तो कैसे पता चलता है स्वीकार किया है या नहीं किया है? भक्ति मार्ग में बच्चा पैदा होता है तो थोड़े ही दिनों के बाद उसका नामकरण होता है। नामकरण होने के साथ ही साथ बच्चे को बाप का टाइटल भी मिल जाता है। तो बच्चा वारसदार कहा जाता है। यहाँ भी ऐसे ही है। बच्चे वारसदार बन जाते हैं। कैसे पता चलता है बाप ने स्वीकार किया, बाप बच्चे का संबंध, बाप बच्चे का संबंध पक्का हो गया या नहीं हुआ? ये हमारे ब्राह्मण परिवार में बच्चा घर में पैदा हो गया ना, तो सब ने जान लिया नंबर वार ये बाप का बच्चा पैदा हुआ है, तो संबंध जुट जाता है। जब तक बच्चा बाप के घर में आकर पैदा ही नहीं होता तो बाप के वर्षे का वारसदार कैसे बनेगा? वारसदार बना, पैदा हुआ माने संबंध जुट गया। तो जो भी आप जन्म लिया है नाम से जन्म लिया वो सब पक्का हो गया ऐसा? कोई मर भी जाते हैं जल्दी, घर में बच्चे पैदा होते हैं कोई पेट में नहीं मर जाते हैं, तो यहाँ भी भक्ति करते ही करते मर जाते हैं। 7 दिन की 9 दिन की भक्ति पूरी नहीं हो पाती, भाग जाते हैं बीच में। अनिच्छे बुद्धि बने मन मर गए। माता वो माता तू ही जगत की भागी चाहती है। ये तो कागज के मुंह में कई बार आई और शिव बाबा ने कई बार समझाया बिना माता आदमी किसी को उद्धार नहीं होता। लेकिन तो ये पाइट उल्ली की पाइट लगाओ विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर खींचवा सकते हो। विधाता द्वारा खंड की पॉइंट है बाबा, मुरली की पॉइंट है। विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर खींचवा सकते हो क्योंकि भाग्य विधाता दोनों बाप मतलब शिव बाबा, दोनों माँ बाप शिव बाबा बाप इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है।
तो यहाँ तो भाग्य विधाता असली रूप में शिव बाबा है यानी सत्यनारायण है ना, जो 100% सच्चा ही है वही ही भाग्य विधाता बनते हैं ना। विधि शब्द से बनता है विधाता, विधि माने कानून। ये विधि कहाँ से आती है? विधि विधान कौन से मुख से निकलता है? माँ के मुख से ही विधान निकलता है, मुरली निकलती है। तो जिस मुख से मुरली निकलती है वो माता ही विधाता है पहले पहले। बोला भी है ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए मम्मा को निमित्त रखा है। तो माताओं में बड़ी माता प्रैक्टिकल में है जगदम्बा, परंतु जगदम्बा में भी पार्ट बजाने वाली आत्मा मुख्य है, एटलीस्ट ब्रह्म। इसलिए माता ही भाग्य विधाता है, और माताएं नंबरवार हैं। भाग्य विधाता माताएं भी एक जैसी नहीं है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, घर की धरणी अच्छी चरित्रवान नहीं है तो घर नरक बन जाता है। इसलिए ये गीता आया है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। उसका नाम ही है भारत माता। किसकी सेवा में रत है? जो ज्ञान की रोशनी में रत है उसकी सेवा में भारत माता रत है। इसलिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। बाबा तो माता ये में बड़ी माता जो जगदम्बा है उसको क्यों नहीं लागू होता है? माता ये में सबसे बड़ी माता जो जगदम्बा है वो ज्ञान में रत रहती है कि अज्ञानी बन जाती है? अज्ञानी बन जाती है तो वो भारत माता नहीं है। भारत का मतलब ये है जो ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाली है तब भारत माता है। अज्ञानी बन गई, बाप को भूल गई, तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? लेकिन बाबा सही, लेकिन बाबा ने ये कहा ना, तो क्या कहूँ, रचयिता को जानने सहज है लेकिन उसकी रचना को जानने बहुत कठिनाई है। मतलब कुछ रहस्य है ना इसमें, जगन्नाथ की रचना है, मतलब उसके पाठ में है कुछ रहस्य होता है ना। तो भारत माता पहली रचना है या नहीं है? पहली रचना तो जगदम्बा है ना, जगत पिता की पहली रचना प्रकृति। जो पहली रचना है, जो भी पहले पैदा होते हैं वो असुर पैदा होते हैं या देवताएं पहला होते पैदा होते हैं? बाबा मंदिर में बाबा क्या किस बात को? दो प्रकार के बच्चे हैं संसार में, असुर और सुर। पहले कौन पैदा हुए?
मतलब पहले तो दिति होता है ना मैं दिति दिति से दैत्य पैदा हुए। तो जो पहले पैदा हुए वो असुर हैं, बाद में प्रत्यक्ष हुए वो पांडव हैं। पांडा बाप के बच्चे हैं। जो पहले पैदा होते हैं वो अपने को पहले प्रत्यक्ष कर देते हैं। जो बाप के बच्चे हैं वो अपन को पहले प्रत्यक्ष नहीं करते, अपनी प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लेते, वो बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयास में रहते हैं, इसलिए छोटे हैं। और बाप उन छोटे बच्चों का ही तरफदारी लेता है, इसलिए वो पावरफुल बन जाते हैं और जीत पा जाते हैं। असुर पावरफुल होते हैं, बड़े होते हैं तो भी हार जाते हैं। बाबा ये हंस पाठ रचना को जानने में मुश्किल माना क्या रहस्य है, किस बात को आरोप होती है? रचयिता बाप संपन्न है या रचना संपन्न है? तो जो संपन्न है वो सत्य है, या जो संपन्न नहीं है अधूरा है वो सत्य है? जो संपन्न है वो ही सत्य है, जो सत्य है वो सदा काल है, और जो असत्य है वो सदा काल नहीं है। जो सदा काल काबिज नहीं है वो झूठा है। झूठा होने के कारण सबकी समझ में नहीं आता है। झूठा व्यक्ति आज एक बात बोलेगा, कल दूसरी बात बोलेगा। एक झूठ के पीछे बीसियों झूठ बोलता जाएगा, इसलिए वो माया से प्रभावित कहा जाता है। जो माया से प्रभावित होते हैं वो जल्दी नहीं पहचाने जाते। और तो हिलेगी डुलेगी, लेकिन डुलेगी नहीं, क्योंकि रचना किसकी है? बाप की रचना है। फिर भी कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी ना। सच्चाई के कारण बाप उसको रक्षक रक्षण करते हैं। रचयिता का फर्ज है रचना की सुरक्षा करना। और राम वाली आत्मा की संगति कब होगी? जब हम ये विचार होता है तब संगति होती है। राम जब अव्य विचार बन जाता है तो दुनिया की संगति के लिए होती है। तन मन धन से जब अव्य विचारी बनता है तो सभी संगति का रास्ता बंद हो जाएगा, यानी तन मन धन से जब अव्य विचारी बनता है राम तो गति संगति का रास्ता बंद हो जाएगा या नहीं बन जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि गति संगति सिवाय शुरू कोई नहीं कर सकता। तो राम वाली आत्मा अगर अव्य विचारी बन गई, कहाँ बन गई अव्य विचारी? अगर अव्य विचारी बन गई तो राम का नाम आगे होना चाहिए। अव्य विचारी
पार्ट जो बनाने वाला बजाने वाला है आत्मा, उसकी यादगार त्रेता में किस नाम से मानी जाती है? जो राम वाली आत्मा त्रेता में राम के रूप में प्रसिद्ध होगी वो वर्तमान की राम वाली आत्मा है, या उसके समकक्ष पुरुषार्थ करने वाली सीता वाली आत्मा है? कौन है? लक्ष्मी वाली आत्मा है। जो लक्ष्मी वाली आत्मा है वो ही है व्यभिचारी है प्रैक्टिकल जीवन में। मुकर्रर रथ को आप व्यभिचारी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो सबसे जाति पतित से पतित काम ही कांटा होना चाहिए। और है कि अमरावती में बड़ा शिवलिंग दिखाते हैं। हाँ जी, उसका अर्थ यह है कि जो ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं वो ही अमर रहते हैं। अमर माने जो कभी न मरता हो। मरते वो हैं जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं। तो सबसे जास्ती अनिश्चय बुद्धि कौन बनता है और सबसे जास्ती निश्चय बुद्धि कौन बनकर रहता है? सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में ब्रह्मा की सोल आती है, और सबसे जास्ती निश्चय के चक्र में शंकर वाली आत्मा है। इसलिए अमरावती में बड़ा लिंग दिखाते हैं। और राम बन गई, अगर अगर लगा हुआ है ना परमात्मा शिव उसमें प्रवेश करना बंद कर दे। हाँ जी, फिर जिनको गति और संगति को पाना था वो पा लिया। फिर तो इसलिए वो एक सेकंड में रूंगा हुआ मैं, फिर एक सेकंड में रूंगा हुआ मैं ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा को विष्णु बनने में एक सेकंड योगी तीव्र गति में। तो राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा जब व्यभिचारी बनती है तो दुनिया की सदगति बंद हो जाएगी। दुनिया की सदगति बंद होता है कि दुनिया की सदगति शुरू होती है? है जब संपन्न बन गया तो प्रवेश करना और न प्रवेश करना बराबर हो गया ना। प्रवेश कब तक है? जब तक संपन्न नहीं बना है। चार अवस्था में फसल होना है, यह प्रकृति का नियम है। कोई व्यक्ति और वस्तु, कोई व्यक्ति यानी वस्तु, चार अवस्था में फसल होना है। ये सृष्टि का नियम है ना? हाँ, सृष्टि का नियम है। ज्ञान का चार अवस्था ही होता है। लेकिन बाबा बाबा क्या कहते हैं, मैं रोज नई नई पॉइंट्स किया, जो नया होती है वो जरूर सबको प्रदान होती है और बच्चों का खुशी बढ़ती है बाप से सुनने से। तब चार अवस्था में फसल होना कहने में क्या मतलब? ज्ञान लेने के बाद ज्ञानी वो है जिसके जीवन में एक शिव बाबा दूसरा न कोई। लेकिन ऐसा होता है क्या?
इसीलिए चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। यानी तो बच्चा मुझे विशेष प्रिय है, इसका मतलब क्या है? बाप के अलावा और कुछ सुझाई न पड़े, एक बाप दूसरा न कोई, तो अवस्था नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? इसलिए चार अवस्थाओं से पसार होना होता है। ये दुनिया ऐसी है, इस दुनिया के प्रभाव में अगर प्रभावित होते रहेंगे तो चार अवस्थाओं से जरूर पसार होंगे। अगर इस दुनिया से प्रभावित नहीं होते हैं, एक ही निराकारी स्टेज में ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं, तो लगातार चढ़ती कला होगी या गिरती कला होगी? चढ़ती कला होगी।